हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो A5 के बारे में। और गाइस, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ फैक्ट्री रिसेट रिजल्ट डाटा। तो कैसे इसमें इसमें फैक्ट्री रिसेट रिजल्ट डाटा कर पाएंगे, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सेटिंग पे आइएगा। सेटिंग पे आ जाने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे जाइएगा तो देखिए, यहाँ पे बैकअप एंड रिसेट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख रहा होगा रिसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, इस पर जाइएगा। यहाँ देखा इरेज इरेज ऑल SMS एंड मैसेज, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा डाटा है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं इससे पहले आपको इसका डाउट क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे फोटोज़, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स सारे का सारा यहाँ पे मतलब ख़त्म हो जाता है। फोटोज़, वीडियो, पर्सनल नंबर, ये सब डाटा आपको अगले डिवाइस में रख लेना है। सिस्टम सेटिंग, ये अगर से रिसेट करते तो इसमें ओनली डिफॉल्ट सेटिंग ठीक होती है। इरेज ऑल डाटा करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो जाता है। जिस टाइप से न्यू परचेस करते हैं उस टाइप से आपको, तो आप उम्मीद करते कि आप समझ गए होगी कि फैक्ट्री रिसेट में आपको फिर से आईडी वाईडी मतलब पूरा बैकअप तैयार करना पड़ता है नए तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट।